इतनी बड़ी गलती हो गई मुझसे। जो जैन के साथ मैंने गोलगप्पे खा लिए वो बेवकूफी से प्यार समझ बैठा। कैसे बताओ सबको? रेहान को कॉल करती हूँ। सर आप एक बार मेरी बात समझने की कोशिश तो कीजिए, मैं आपसे कह रहा हूँ। माहिरा, रेहान, माहिरा मैं इस वक्त बात नहीं कर सकता। तुम्हारी बहन ने मेरे अब्बा के खिलाफ एफआईआर करवा के सारी लिमिट्स क्रॉस कर दी है। सुबह से पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रहा हूँ मैं। मैं बाद में बात करता हूँ। रेहान, मैसेज करती हूँ। सर मैंने आपसे कहा मेरे अब्बा भोपाल में नहीं है, दो दिन बाद लौटेंगे, आप समझने की कोशिश तो कीजिए। झूठे बहाने बनाने की कोई जरूरत नहीं। तुम मेरे अब्बा के खिलाफ एफआईआर लिखवाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हिम्मत की बात तुम ना ही करो तो बेहतर होगा, क्योंकि मैं अपनी ये कंप्लेन वापस ले रही हूं, समझे? इंस्पेक्टर साहब, मैं अपनी कंप्लेन वापस लेना चाहती हूँ। मिस मेहर, आर यू श्योर आप ये कंप्लेन वापस लेना चाहती हैं? जी सर, आई एम श्योर। गुड, देर से ही सही तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास तो हुआ? गलती नहीं, मजबूरी है मेरी। अगर मैंने ये एफआईआर वापस नहीं लिया तो तुम्हारे अब्बा के साथ साथ मेरे मामू जान को भी जेल हो जाएगी, और अब ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि उनके बेटे का रिश्ता मेरी बहन मायरा के साथ तय हुआ है। मायरा का रिश्ता? हाँ। मायरा के रिश्ते की बात से मैं इतना हर्ट क्यों हो रहा हूँ? ये कैसी फीलिंग्स है? हेलो, कहाँ? यहाँ आपके सिग्नेचर चाहिए। साइन? शुक्रिया इंस्पेक्टर साहब। शुक्रिया। रेहान, मैं तुम्हें कब से कॉल करने की कोशिश कर रही हूँ। माहिरा, माहिरा मुझे भी तुमसे मिलना है आज ही। कैसे मिलोगे रेहान? कुछ ही देर में ईद का जश्न शुरू होने वाला है, वो सब लोग यहाँ आ जाएंगे। रेहान मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है। तुम फिक्र मत करो माहिरा, मैं कुछ ना कुछ सोचता हूँ, तुमसे मिलने तो मैं जरूर आऊंगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, ईद की खुशी में हमारी हवेली दुल्हन की तरह सजी हुई है। दुल्हन से याद आया, मायरा पी भी तो दुल्हन बनने वाली है, और आज की इस ईद में एक और स्पेशल चीज होने वाली है। अरे भाई जरा हम भी तो सुने, क्या स्पेशल होने वाला है? मामू और मुमानी आज वो भी हमारे साथ ईद बनाएंगे, तो है ना स्पेशल? हम तो अपने अब्बा हुजूर के साथ ईद नहीं मना सकते, आप तो मना सकती हैं। अब्बू, अम्मी के तो भाईजान आ रहे हैं, क्या आप भी किसी के भाईजान हैं? आपके अब्बू किसी के भाईजान नहीं है, और आइंदा इस किस्म का बेहुदा सवाल कभी मत कीजिएगा। पुप्पी ने सही कहा था, दादा हुजूर उनसे बहुत प्यार करते हैं।
भाईजान आ गए। मदिया, हम दोनों भाई बहन की ईद तो आज है मदिया। ईद मुबारक। जी ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक मजाज भाई। ईद मुबारक। ईद मुबारक। आपको बहुत 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 ईद मुबारक। ईद मुबारक मामू जान। ईद मुबारक। ईद मुबारक बेटा। भाईजान आप इतने नर्वस क्यों? लड़की ने तो ऑलरेडी हाँ बोल दिया। ज्यादा मत बोला कर। ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक। अरे माशाल्लाह आप कितने क्यूट हैं। थैंक यू। ईद मुबारक। ईद मुबारक। खुश रहो। ईद मुबारक बेटा। आपको भी। आप ईद मुबारक मेहर हैं। ईद मुबारक आपको भी। क्या हुआ मैडम, मैं परेशान क्यों लग रही हूँ? ऑल ओके ना? स्माइल। कॉन्ग्रेचुलेशन गुड बॉय, मेरी दुआ कबूल हो गई। आपको आपके फूफा और फूफी मिल गए। आपको आपके मामू और मुमानी मिल गए। सिर्फ मामू मुमानी नहीं, मुझे मेरी क्या? कुछ नहीं कुछ नहीं। गुड बॉय, एक बात बताइए, मायरा भी एकदम जल्लाद है, आपको वो कैसे पसंद आ गई? बस आ गई। आइए सब लोग खाने पे चलते हैं। दावत का इंतजाम बहुत बढ़िया किया है ना? अरे मजाज, वो म्यूजिशियंस आ गए, मैं उन्हें सेट करवा के आता हूँ। ठीक है। मदीहा, मुझे तुमसे एक जरूरी बात कहनी थी। जी। मैं सोच रही थी कि देखो, दोनों बच्चों की रिश्ते की बात तो तय हो चुकी है, तो क्यों ना हम इसी हफ्ते दोनों की शादी की रस्में भी कर दें अदा। भाभी जान, आपने तो मेरे दिल की बात कह दी। सच्ची? मैं तो, चलो ये तो बहुत ही अच्छा रहा है। लो, चट मंगनी पट ब्याह हो जाएगा। सच्ची बताऊं, शादी का मजा तो उसकी रस्मों में है ना मदिया? और तुम्हें पता है वो जो हल्दी की रस्म होती है, उसमें तो फुप्पी आती है ना हल्दी लेके। अब तुम आओगी ना हमारे घर में, है ना, जैन की हल्दी लेके। और वैसे ही मायरा की फुप्पी उसे हल्दी लगाएगी, है ना? मायरा की सिर्फ एक ही फूफी थी।
कुछ साल पहले वो मर चुकी है। हमें तो पता ही नहीं था, तो हम कैसे, मतलब कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाभी जान। उफी तो जिंदा है। दादा हुजूर को आज बिग सरप्राइज मिलने वाला है। लगता है फ्यूज ऑफ हो गया, मैं चेक करके आता हूं। रेहान, ये सब कैसे हो गया मायरा? मुझे नहीं पता रेहान, लेकिन लेकिन हमें जल्द कुछ करना पड़ेगा, वरना ये लोग मेरी शादी जैन से करा देंगे। नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा, तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, किसी भी कीमत पे कहीं जाने नहीं दूंगा तुम्हें। मायरा, आई लव यू मायरा। मुझे लगता है मुझे जैन से बात करनी चाहिए, वो जरूर मेरी बात समझेगा। और अगर नहीं समझा तो? अगर जैन नहीं माना और उसने सबसे जाके कह दिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी माहिरा, और हम ये रिस्क नहीं ले सकते। तो हम क्या कर रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। जैसा चल रहा है सब वैसे ही चलने दो माहिरा, खुश रहो, खुश दिखो। किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए, शादी से पहले हम भाग जाएंगे। रेहान, तुम मुझसे प्यार करती हो ना, ट्रस्ट करती हो मुझ पे, तो मेरी बात मानो माहिरा, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं, शादी से पहले हमें भागना होगा। मायरा, मुझे जाना होगा, मैं फिर आऊंगा। पक्का? पक्का। मायरा, दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? तुम उस रेहान से प्यार करती हो? अब ऐसे क्या देख रही हो? बोलो मायरा। नहीं ना, बोलो मायरा, बोलो कुछ। हाँ, मैं रेहान से ही प्यार करती हूँ और उससे ही भाग के शादी करूंगी। पागल हो गई हो क्या? बिल्कुल खामोश, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। कैसे भूल सकती हो सारी चीजें? मायरा प्लीज, होश में आओ। भूल गई, हमारी फूफी के साथ क्या हुआ है? सरफराज ठाकुर के भाई से प्यार करके उन्होंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली थी। मायरा, आज तक उन्हें इस घर में आने की कोई इजाजत नहीं। दादा हुजूर के लिए मर चुकी है वो। क्यों समझ रही तुम मायरा? तुम ऐसा नहीं करोगे। सुना था ना दादा हुजूर ने क्या कहा था? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।